अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज कोई व्लॉग नहीं है, आज मैं बनाने लगी हूँ हमारी मोस्ट आस्ट वीडियो, जो कि है हाउ आई डू माय मेकअप, मेरी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और ये आपकी ईद के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेकअप करने का पहला स्टेप, आप फजूल के अगर आपने बाल खोल रखे हैं शोशो करने के लिए तो उनका पोनी बना दीजिए, क्योंकि अगर वो मेकअप में आपको डिस्टर्ब करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और अनजान हमें आते ही ब्लॉग में हमें डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। इस ब्लॉग को फजूल में लंबा नहीं करेंगे अब, और बस स्टार्ट करेंगे। सो मेरी पोनी बन गई है, अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये वाला सनब्लॉक। मैं नेम्स जो है ना मुझे नहीं समझ आ रहे, इसको आइडन या इसडन पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो आप खुद देख लें। बाकी मैं ये वाला सनब्लॉक यूज़ करती हूँ, ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी जिनकी स्किन ऑयली है वो ये यूज़ करें, क्योंकि भाई ये बहुत स्किन को ऑयली कर देता है। इसके बाद अगर अभी जो मौसम चल रही है आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये आपकी स्किन को इतना ऑयली कर देता है और आपको वाइट कास्ट भी बिल्कुल नहीं छोड़ता। सो इट्स वेरी गुड। और अगर आपको मेकअप से पहले की स्किन प्रेप जाननी है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं मेकअप से पहले की स्किन प्रेप जो आया आपको बताऊंगी। अभी वो आज मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है ज़रूर बोलेंगे कि हाँ आप वो भी करें ईद से पहले, तो इंशाल्लाह एक वो भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी आप देखें मैंने थोड़ा सा ही ये सनब्लॉक लगाया था तो कितना मतलब जो है ना मेरी स्किन ऑयली हो गई है। सो इसको अब मैं 2 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स लगाऊंगी। मैं जो है ये मामा ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इस मौसम के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं इसके 3 पम्प्स ले रही हूँ, इतने 3 पम्प्स होंगे, और वो मैं अपनी स्किन पे इवनली लगा लूँगी। भाई कभी भी अपना नेक ना भूला करें, क्योंकि कुछ लड़कियाँ होती हैं सिर्फ अपने मुँह पर मेकअप करती हैं, गर्दन भूल जाती हैं, फिर वो बहुत गंदा लगता है, इसलिए अपने फेस के अकॉर्डिंग मेकअप किया करें जो आपको सूट करे। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑयली मेकअप पसंद है, तो बस क्योंकि मुझे ऑयली पसंद है तो मैं इसको ऑयली कर रही हूँ। मेरी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है। मैं प्राइमर लगाना खुद के लिए मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब सा ही लगता है प्राइमर, मेरी स्किन को ऐसा लगता है ड्राई कर दिया है, तो इसलिए मैं प्राइमर्स जो है वो हमेशा स्किप करती हूँ, और मैं फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा आई मेकअप करती हूँ, जो मतलब हल्का सा लाइनर वगैरह मुझे जो भी लगाना होता है वो मैं फाउंडेशन से पहले करती हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। मैं आई प्राइमर्स वगैरह, आई कंसीलर्स वगैरह मैं इन चीज़ों पे खर्च नहीं करती, तो मैं जो हूँ ये क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक लगा रही हूँ, ये आप देख लें, ये आपको उनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, इन शेड F1। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ये जो है बहुत अच्छी है जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए। मैं इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ करती हूँ, एज अ फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ, मतलब जिसको आप जैसे भी यूज़ करें ना बहुत अच्छी यूज़ होती है। सो इसको जो है ना मैं अपनी ब्रशेस से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा फिंगर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे आपका मेकअप जो भी होता है ना बहुत अच्छा होता है। सो मैंने अपने फिंगर पर ले लिया है फाउंडेशन, और इसको मैं अपनी आई पर लगाऊँगी एज अ आई बेस। हमेशा डैब डैब करके लगाया करें, बस मेरा आई बेस लग गया। और हमेशा एक दूसरी चीज़, अपना ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम जो है ना वो यूज़ किया करें। मैंने इसको डैम कर लिया है, अब मैं इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है ना प्रेस करूँगी, जैसे ये मेरा जो है ना अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हद से ज़्यादा भी नहीं करना कि आपका हट जाए, बस इतना करना है कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और कोई हार्श लाइन्स नज़र ना आए। मैं अपना बहुत ही बेसिक सा मेकअप कर रही हूँ, जैसे मैं खुद का करती हूँ नॉर्मल डेज में, कहीं जाना होता है तो। ये मेरा आई बेस हो गया सेट बिल्कुल, बस इसको आपने हल्के हल्के हाथों से अपने आईज पे जो है ना स्प्रेड करना है। अब जो है मैं लगाऊंगी नोट का कॉम्पैक्ट, जो कि मैं प्रेफर करती हूँ अपनी फिंगर्स से लगाना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, वरना ब्रश से क्या होता है ना, ब्रश से ऐसे होता है कि क्रैक करने लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्रश का इफेक्ट, तो मैं अपने जो है ना फिंगर्स ही प्रेफर करती हूँ, सॉरी हाँ मैं अपनी फिंगर्स ही प्रेफर करती हूँ। और इसका शेड है नेचुरल बेज 02।
इसका शेड है नेचुरल बेज 02। तो मैं इसको अपनी जो है ना फिंगर की हेल्प से अपनी आईज पे हल्का हल्का लगा दूंगी, जैसे मेरी जो है ना लाइंस ना बने, क्योंकि ये मेरे साथ थोड़ा सा इशू है कि मेरी अंडर आईज पर और अपर आईज पर अच्छी खासी लाइंस बन जाती हैं। तो बस इसको मैं अपनी फिंगर से पहले हल्का सा जो है ना प्रेस करूंगी, जैसे मेरी लाइंस ना बने, देन मैं अपनी दूसरी फिंगर यूज़ करके उससे लगाऊंगी। और मैं इसको ऐसे ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ अपनी कॉम्पैक्ट को, क्योंकि आप इसको प्रेस करोगे ना बहुत अच्छा लगता है। फिर ये जे डॉट का मेकअप जो होता है ना वो बहुत मैट होता है, उनकी पैकिंग मैकेजिंग बहुत मैट होती है, तो आप कुछ भी कितना भी साफ कर लो वो बहुत बुरा लगता है। तो बस अभी मैं देख रही थी अपनी एक क्लिप, यहाँ की जो अभी मैंने बनाई थी वो इतनी बुरी लग रही थी कि यार कितना गंदा मेकअप है गाइस। पर मेरा गंदा मेकअप बिल्कुल नहीं होता है, मैं अपना मेकअप का ध्यान रखती हूँ और अनजा मुझसे ज़्यादा ध्यान रखती है मेकअप का कि वो गंदा ना हो। तो बस ये इसकी पैकिंग की वजह से बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की स्टार लाइट ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, ये वाली। स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, ठीक है। और इसका जो है ना मैं ये टाइटेनिया, इसका जो ये शेड टाइटेनिया है, मैं ये हल्का सा अपने ब्रश पे लूँगी ये वाला, और मैं अपने आईब्रोज के नीचे लगाऊंगी जस्ट टू हाईलाइट माई ब्रोज। और यही चीज़ें जो है ना मेरी ग्लो कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा, हाइलाइटर, क्योंकि मैं भर भर के लगाती हूँ। अभी रमज़ान है तो उस वजह से मेरी आईब्रोज वगैरह कुछ नहीं की हुई मैंने, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस रमज़ान है, सब वाइट किया करें। देखें मैंने थोड़ा सा ही लगाया तो इतना ग्लो करने लगा है। अब मैं इसको अपने इनर आईज पे भी लगाऊंगी, लेकिन हल्का सा प्रेस करके। मैंने मेकअप से ये सीखा है लेस इज मोर, आप जितना कम मेकअप अपने फेस पे लगाओगे उतना फ्लॉलेस मेकअप लगता है, हद से ज़्यादा मेकअप फिर वो केकी सा अजीब सा बन जाता है। सो मैंने हाइलाइटर अपने फेस आईज पे अच्छे से अपनी आँखों को हाईलाइट कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, जो कि भाई मुझे बहुत मुश्किल लगता है, दी मुश्किल पार्ट। हाइलाइटर से पहले मैं एक टेक्निक से लैशेस लगाती हूँ, जो कि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, वो इस वीडियो में बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगा। हालाँकि वो मैं वैसे मस्कारा यूज़ करती हूँ, लेकिन अब अगर मैंने मस्कारा यूज़ किया तो फिर मैं भूतनी लगूँगी सुबह में, तो मैं इस वक्त लैशेस लगाऊँगी, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो ये मतलब ना ऐसे इफ़ेक्ट देता है जैसे आपकी आंखों पे लैशेस एक्सटेंशंस की हुई हैं आपने। जो मेरी तरह सस्ते और जुगाड़ू काम करना चाहते हैं तो फिर वो ये चीज़ें करें, बाकी आप वरना आई लैशेज एक्सटेंशन करवा लें, कोई मसला नहीं है। मैं बस ये ऐसे ही, मेरे पास 8D जो है ना लैशेस पड़ी हुई थी, जो कि मैंने यूज़ की हुई हैं पहले भी बहुत दफ़ा, तो बस मैं ये यूज़ की हुई लैशेस जो है इनको कट करूँगी और इन पे ग्लू लगा कर अपनी इनर आइज पे लगाऊँगी। अभी मैंने अपनी लैशेस को जो है मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में, इतने इतने पार्ट्स में मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे इतने इतने पार्ट्स में जो है ना मैंने इनको कट कर लिया है। अब मैं इनको लगाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर्स पर, ऐसे लिफ्टेड लुक आता है जो हम देखते हैं ना रील्स में, लोगों के आईज जो है लिफ्ट हो जाती हैं, लैशेस समझ नहीं आते किधर से लगे हुए हैं, ये बिल्कुल वैसा लुक देती हैं, बहुत अच्छा लुक देती हैं भाई, मुझे तो इतनी पसंद है। अभी मैंने अपने दोनों आईज पे बहुत ही अच्छे से लैशेस लगा ली हैं और अभी मैं लगाऊंगी आईलाइनर। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली लग गई हैं, लग ही नहीं रहा कि मैंने लैशेस लगाई हैं, मतलब ये लग रहा है कि मैंने आईलैशेस एक्सटेंशंस करवाई। मैं APK का H2O प्रूफ वाटर प्रूफ लिक्विड मेट आईलाइनर लगा रही हूँ, ये वाला। ये मैंने कोई 200 का लिया था। मैं अपने आउटर कॉर्नर से लेकर एक लाइन बना ली मैंने, आप देख रहे हैं मैंने अपने दोनों साइड्स पे लाइन बना ली है। अब मैं ऊपर से जाकर, बल्कि सॉरी नीचे से जाकर ऊपर लाइन के साथ कनेक्ट करूँगी, जस्ट कि मेरी
लाइनर अच्छा लगे। अब मैं हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी लाइन बनाती हूँ मैं अपने आईज पे, क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा लाइनर भी नहीं पसंद। सो मेरा लाइनर लग गया है। और दूसरी एक टिप, अगर आपको अपनी आँखों को बहुत बड़ा दिखाना है ना, यूज़ वाइट पेंसिल। ये रिवाज की वाइट पेंसिल है, ये मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, लिटरली सालों से। और बस जब भी मुझे, मैं हमेशा वाइट पेंसिल यूज़ करती हूँ अपनी आँखों में, हमेशा। मैंने वाइट पेंसिल लगा ली है, अब मैं अपना फेस मेकअप करूँगी। अभी मैंने अपना स्किन प्रेप तो आपके सामने पहले ही कर ली थी, तो अब मैं लगाऊँगी फाउंडेशन, यही वाला क्रायलॉन का। तो भी अपनी गर्दन ना भूलें, वरना बहुत बेइज्जती हो जाती है। मैं तो अपने नेक पर अपने फेस से ज़्यादा लगाती हूँ, जैसे भाई मेरी बेइज्जती ना हो। देन उसके बाद आपको यूज़ करनी है अपनी फिंगर्स। फिंगर से आप जब भी अपना बेस जो है वो फैलाएंगे ना, देन उसके बाद उसको डैब डैब करके ब्लेंड करेंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अब मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है और मैंने अपना फाउंडेशन को ऐसे तो ब्लेंड कर लिया है, अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंडर से जो है ना ब्लेंड कर लूँगी। आई मेकअप मेरा हो गया है और अंडर आइज़ पे मैं कंसीलर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं फाउंडेशन ही हल्का सा, जो ब्रश होता है मेरे पास बस मैं वही लगा कर बात ख़त्म करती हूँ, क्योंकि गाइस लेस इज़ मोर। उसके बाद मैं लगाऊँगी ब्यूटी फेयर में आमना का फाउंडेशन, जो कि है इन शेड फेयर 01, और इसका मैं एक पंप लूँगी, वन पंप, जो कि मेरा बहुत बच जाता है। मैं इसको एज अ कंसीलर भी लगाती हूँ, गर्मियों में कभी ना लगाया करें इतना। मैं ये आपको ईद मेकअप के हिसाब से बता रही हूँ। अब मैं अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और इसको अच्छे से जो है ना ब्लेंड कर लूँगी। ऊपर देखें, जब आप अपने अंडर आई को जो है ना ब्लेंड करें, ऑलवेज लुक अप, और अपने कानों पर भी फाउंडेशन लगाया करें गाइस। जो नहीं लगाते वो ज़रूर लगाया करें, क्योंकि पता लग जाता है कि आपने मेकअप किया है, पर अगर किया है तो अच्छे से करो। अभी मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से लग गया है और मैं बस अपनी अंडर आइज़ को सेट करूँगी। मेरा जो फाउंडेशन का थोड़ा सा बचा हुआ होता है ना मेरे ब्लेंडर पर, बस मैं वही लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ पर जो अंडर आई पर क्रैक क्रैक आ जाते हैं अगर मैं हद से ज़्यादा कुछ चीज़ लगाऊँ तो मैं अवॉइड करती हूँ कंसीलर्स वगैरह लगाना, क्योंकि मेरे पास इतने डार्क सर्कल्स वगैरह है नहीं। तो बस अभी मैं अपना जो है ये नेचुरल बेज 02 शेड में अपना नोट का, इसको मैं अपने फिंगर से यूज़ करती हूँ अपने अंडर आई पर, क्योंकि मेरी अंडर आईज का मैंने आपको बताया कि लाइंस आ जाती हैं। तो मैंने कहीं पे देखा था आपकी फिंगर से अगर आप मेकअप करना सीख गए ना, तो आपको ब्लेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी फिंगर्स आपकी बहुत अच्छी ब्लेंडर्स होती हैं। मेरी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, इतनी ग्लो कैसे करती है, तो उसका एक सीक्रेट है मैबलिन का रोज़बेरी चीकी टिंट। अब आप देखेंगे इंस्टेंट रिजल्ट्स। आज क्योंकि मैंने फाउंडेशन भी लगाया है तो मैं इसको इतना सा लूँगी, ये वाला है, आप देख लें। ये मैंने, मुझे हाई स्ट्रीट से मैंने लिया था, पहले तो मुझे पीआर आया था हाई स्ट्रीट की तरफ से, तो मैंने वहाँ से इसको टेस्ट किया था। उसके बाद मैंने, अब यहाँ लोकल शॉप से मैं लेती रहती हूँ। इसको मैं अपने चीक्स पर भी लगाऊँगी, चिन पे भी लगाऊंगी, नोज़ पर भी लगाऊंगी। खिजर मुझे कहता है तुम भोली लगती हो जब तुम ये अपने नोज़ पर लगाती हो, चिन पर लगाती हो, लेकिन भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है तो बस मैं लगा लेती हूँ। अब मैंने अपना जो है ब्लश लगा लिया है और ये मैंने लिया था 500 में, अब मैं इसको करूँगी अच्छे से ब्लेंड। अब मैं बगैर देखे ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा अच्छा सा ब्लेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे तो ख्याल से हो रहा है ब्लेंड बहुत अच्छे से। अभी मेरे टाइप का मेरा बहुत अच्छे से ब्लश लग गया है। अब मैं नोट का ही सन किस 02 हाईलाइटर यूज़ करूँगी। मैं आज वो सारे प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, कुछ भी मैंने
पीआर का या कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरे खुद के लिए हुए प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं डेली जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। ये इतना नेचुरल हाइलाइटर है, मतलब ये आप नॉर्मल डेज में भी आप लगाओगे ना, मतलब कहीं जाओगे तो इतना नेचुरल इफेक्ट देता है। सो मैंने अपना हाइलाइटर भी लगा दिया है। अब है मेरा जो मोस्ट रिक्वेस्टेड, मैं लिप शेड कौन सा लगाती हूँ। ये है मेरा लिप शेड जो मैं बहुत लगाती हूँ, एमिली की लिप शेड्स, ये वाली मैट लब्रा 812। या देख लो 812 और 801। मैं ये लगाती हूँ और मैं इतनी प्यारी लगती हूँ ना, पूछो ही मत। सो अभी जो है मेरे पास एक बहुत ही लोकल सी ऑन कलर की एक डबल लिपस्टिक पड़ी है, लिप लाइनर पड़ी है। आप कोई भी अपना ब्राउन शेड ले लें और मैं उससे अपने लिप्स जो है लाइन करूँगी अभी। आपको एक बात पता है, मेरे हमेशा ईद के दिन ओवरलाइन हो जाते हैं लिप और वो कभी सेट नहीं होते। पहले मैं लगाती हूँ 812, ये वाली एमिली की। ये मैं लेती हूँ 120 रुपीज़ की, मैंने ली थी लास्ट ईयर, या 120 रुपीज़ या 100 की मैंने ये लिप पेंसिल ली थी। और मैं ये जब भी लगाती हूँ, मैंने अपने कज़िन के निकाह पे लगाई थी, उसके ऊपर मैंने अपनी खाला की मैक की एक लिपस्टिक भी लगाई थी, तो उसका शेड तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जब भी लगाती हूँ मुझसे हर कोई पूछता है कौन सा लिप शेड यूज़ किया है तुमने। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा आज का लुक अच्छा लगा होगा। मैं यही लुक करके हमेशा बाहर जाती हूँ, लेकिन मेरा एक चीज़ रह गई, मैं आपको ग्लॉस दिखाना वो भूल गई। मैंने सारा अली कॉस्मेटिक्स का ग्लॉस फॉर्म यूज़ किया है, आप यही ले लें, आपकी लाइफ सेट है। आप कोई भी सस्ती सी लिपस्टिक लगाएंगे उसके ऊपर एक अच्छा ग्लॉस लगाएंगे ना, आपके लिप्स बहुत प्यारे लगेंगे। सो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। इफ़ यू गाइज लाइक द ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल कीज लाइफ। आप हमें कॉमेंट्स में बताएं कि हम नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा बनाएं। मैंने शुक्र है, मुझे इतना टेंशन था कि यार एक ये वाला ब्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए कि जो मैं मेकअप करती हूँ आप लोगों की भी ईद पर हेल्प हो जाएगी। और मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि क्यों आखिर मैंने क्यों, मतलब कहीं बगैर गए मैं इतना प्यारी लग रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अल्लाह हाफिज़।